आपको पता है 90% यूट्यूबर यूट्यूब क्विट कर देते हैं। ये लोग सफल नहीं हो पाते, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ना आपके लिए। मैं सुधारूंगा आपकी गलतियों को और आपको उन 10% में लेके आऊंगा जो आज यूट्यूब पे सफल हैं। ये मेरा वादा है आपसे। तो गाइज, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है वो इस वीडियो में बताऊंगा, और अगर आपने ये गलती कर दी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दूंगा। तो चलिए जानते हैं उन टॉप 5 कॉमन मिस्टेक के बारे में जो हर यूट्यूबर अपने स्टार्टिंग के टाइम में ये करता ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेक अनयूजफुल वीडियो। तो गाइज, हर यूट्यूबर अपने स्टार्टिंग के टाइम में ऐसा वैसा वीडियो क्रिएट करके अपने चैनल पे अपलोड कर देता है जो किसी की जरूरत ही नहीं होती। वैसे तो यूट्यूब की हर वीडियो पे व्यू जाता है, बट आप अभी यूट्यूब पे नए हो, आपका सब्सक्राइबर अभी जीरो है, तो आप हमेशा ये ट्राई करो कि आप जो भी वीडियो बनाओ उसका टाइटल सर्चेबल हो, या फिर वैसी वीडियो बनाओ जिसे लोग अभी के टाइम में ज्यादा देखना पसंद करते हो। अगर आपको ये नहीं पता अभी के टाइम में कौन सी वीडियो को लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ, मैं आपको सब बताऊंगा। आपको अपने YouTube ऐप को ओपन करना है और अपने नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी सर्च कर लेना है। जैसे अगर आपका चैनल गेमिंग का है तो आप बेस्ट गेमिंग वीडियो लिखकर सर्च करो, और आपको अपर साइड राइट कॉर्नर में एक फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप अपलोडेड टाइम को 1 वीक पर सेट कर दो, और अब देखो कि किस वीडियो पर सबसे ज्यादा व्यूज आया है। और जिस भी वीडियो पर सबसे ज्यादा व्यूज आया हो, आप उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग को कॉपी कर लो, और फिर उसी पर एक वीडियो बना दो। और ऐसा करने से आपका वीडियो सर्च लिस्ट में जाने लगेगा, और चांसेज है कि आपका वीडियो पर भी व्यूज आना शुरू हो जाए। रॉन्ग यूट्यूब इंट्रो। तो गाइज, आपके वीडियो के 10 से 15 सेकंड में लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो आपकी वीडियो को पूरी देखेंगे या नहीं, और अगर आप अपनी ऑडियंस को अंत तक रोकना चाहते हो तो आप अपने वीडियो के स्टार्टिंग के 10 से 15 सेकंड में कुछ ऐसा करो जो ऑडियंस को इम्प्रेस करे। अगर आप गेमिंग की वीडियो बनाते हो तो अपने वीडियो के स्टार्टिंग में 2-3 ऐसे सीन्स को ऐड करो जो आपकी वीडियो का सबसे अच्छा सीन हो, और अगर आपका चैनल फेक्ट का है तो आप अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ सस्पेंस क्रिएट करो। जैसे आप अपनी वीडियो के स्टार्ट के में कोई शॉर्ट क्लिप को ऐड करो और उसमें कहो कुछ दिखा क्या, इससे आपके ऑडियंस काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा कि ऐसा क्या है इस वीडियो में, और आप इतना कहकर अपने ऑडियंस को अंत तक बांध दोगे। स्टार्टिंग विदाउट डूइंग रिसर्च। कई सारे यूट्यूबर की यही प्रॉब्लम्स होती है कि वो जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अधूरी जानकारी के साथ यूट्यूब पे काम करना शुरू कर देते हैं। उन्हें नहीं पता होता यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, और ये सबसे बड़ा रीजन होता है यूट्यूब पे फेल होने का। और वो कभी भी यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी को अच्छे से रीड नहीं करते हैं, जिसके कारण उन्हें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम और रीयूज कंटेंट जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप भी इससे बचना चाहते हो तो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी को अच्छे से समझकर YouTube पे वर्क करना शुरू करो। नेवर फोकसिंग ऑन नीच। नए यूट्यूबर के साथ ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कभी भी अपने नीच पर फोकस नहीं करता है। अगर वो स्टार्टिंग में गेमिंग की वीडियो बनाता है तो दूसरे दिन किसी और को देखकर टेक्निकल वीडियो बनाने लगता है, तीसरे दिन किसी और को देखकर ब्लॉगर की वीडियो बनाने लगता है, यानी कि वो कंफ्यूज रहता है कि कौन सा वीडियो बनाए, कौन सा टॉपिक पे काम करे जो जल्दी से वायरल हो जाए और जल्दी जल्दी पैसा आने लगे। तो गाइज, ऐसा नहीं होता है। आप किसी बड़े यूट्यूबर को ही देख लीजिए, वो कभी भी अपने नीच से नहीं भटकता है। अगर वो गेमिंग की वीडियो अपलोड करता है तो वो अभी भी अपने चैनल पे ब्लॉग या फिर किसी और वीडियो अपलोड नहीं करता है। अगर उसे ब्लॉग की वीडियो अपलोड करना हो तो वो दूसरा चैनल क्रिएट कर लेता है और सिर्फ ब्लॉग की वीडियो ही अपलोड करता है। तो आप भी ये समझिए और कभी भी अपने नीच से मत भटकिए अगर आप यूट्यूब पे सफल होना चाहते हो तो। नोट अपलोडिंग वीडियो इन ए कंटेंट शेड्यूल। हर नया यूट्यूबर ये गलती तो करता ही है कि वो अपनी वीडियो को अपलोड करने का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रखता है। अगर उसका मन हुआ आज तो आज एक कर दिया, मन हुआ कल तो कल कर दिया, मन हुआ एक महीना बाद तो एक महीना कर दिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप वीक में एक वीडियो अपलोड करते हो तो कंटिन्यूली ये करते रहना है। अगर आप वीक में 3 वीडियो करते हो या फिर डेली करते हो तो आपको ऐसा कंटिन्यू करते रहना है। ऐसा नहीं कि जब मन किया तो डाल दिया, जब मन किया तो नहीं। आप अपने समय बना लीजिए, आप अपनी टाइमिंग सेट कर लीजिए और उस टाइम के हिसाब से अपनी वीडियो को अपलोड करते रहिए। और कभी भी जल्दी जल्दी के चक्कर में किसी शॉर्टकट का यूज मत करना, क्योंकि कोई भी शॉर्टकट कभी भी सफलता नहीं दिला सकता। गाइज, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमसे बातें करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आ जाएं, वहां मिलकर हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।